हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं माता वैष्णो देवी के धाम। तो फाइनली हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। सामने है त्रिकुटा पर्वत जहां हमारी माता रानी विराजी हुई हैं, और आप यहां आने के लिए बाया ट्रेन, बस और फ्लाइट से आ सकते हैं। जो यहाँ सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है वो है जम्मू एयरपोर्ट, वहां से फिर आप बाया टैक्सी, बस और ट्रेन से आ सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और अपना RFID कार्ड बनवाना होता है। तो RFID कार्ड बनवाने के लिए आपके पास कोई भी एक ID प्रूफ होना चाहिए। तो फाइनली हमने अपना RFID कार्ड बनवा लिया है और अब हम बाहर चलते हैं। यहाँ पर आपको 800 से 1000 रुपए के बीच में रूम मिल जाएगा और होटल वाले ही आपको स्टेशन से होटल लेके जाएंगे और फिर बाद में होटल से बाणगंगा चेक पोस्ट तक छोड़ के आएंगे। वहां पर बाणगंगा चेक पोस्ट से पहले ये आपको अपनी एक शॉप बताते हैं। जब आप यात्रा पूर्ण करके आएंगे तो आपको इसी शॉप पर आकर उन्हें कॉल करना है, वो आपको शॉप से होटल के लिए लेने आ जाएंगे। जो अभी आपका एक्स्ट्रा सामान है वो आप होटल में ही छोड़ सकते हैं। अभी हम जहाँ से यात्रा का शुभारंभ होता है वहाँ पहुँच गए हैं। तो अभी हम यहाँ पर प्रणाम करते हैं और अपनी यात्रा आगे शुरू करते हैं। तो एक बार सभी मेरे साथ जयकार लगाए गाएंगे, श्री माता वैष्णो देवी की जय। तो आइए अपनी यात्रा हम शुरू करते हैं। अभी हमने अपना सामान चेक पोस्ट से चेक करा लिया है, उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सभी मेरे साथ बोलेंगे साचे दरबार की जय। अब हम यहाँ से चढ़ाई प्रारंभ करते हैं और आगे आपको माँ वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। जिन लोगों से चढ़ाई नहीं हो पाती है वो यहाँ से पालकी और पिट्ठू ले सकते हैं। यहाँ पर रेड लिस्ट दिया हुआ है। अभी हम बाणगंगा पहुंच गए हैं, जिसे माँ ने अपने बाण से उत्पन्न किया था और बजरंगबली की प्यास बुझाई थी। यहाँ पर माँ ने अपने केस भी धोए थे, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहते हैं। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, तो अब हम यहाँ पर चाय पीते हैं और थोड़ा बहुत अपने साथ लाया हुआ नाश्ता करते हैं। अभी हमने चाय वगैरह पी ली है और चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा नाश्ता करने के बाद फिर से हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। तो आगे बढ़ते हैं। चुके हैं चरण पादुका मंदिर। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जब माता वैष्णो श्रीधर पंडित जी के घर से चली थी तो भैरव बाबा उनके पीछे आ रहे थे, तो यहाँ पर रुककर माँ ने पहली बार पीछे मुड़कर देखा था। तो माँ के चरणों के निशान आज भी यहाँ पर हैं, इसलिए इस मंदिर को चरण पादुका मंदिर कहते हैं।
रास्ते में आपको खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो खाने पीने की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, सभी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी हम आधे से ज्यादा रास्ता आ चुके हैं, यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर बचा है, सभी एक बार जयकारा लगाएंगे। साचे दरबार की जय। यहाँ से रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, जो ये वाला रास्ता है वो जाता है अतकवारी गुफा, जो दूसरी और रास्ता है वो जाता है माँ के भवन, जिसे हिमकुटी मार्ग कहते हैं। अतकवारी गुफा के आगे एक और रास्ता है जो माँ के भवन जाता है, जिसे हाथी मत्था मार्ग कहते हैं, जो चढ़ाई में थोड़ा खड़ा है, जिसे चढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है, तो चढ़ाई के लिए हिमकुटी वाला मार्ग ही अच्छा है। तो अभी हम फाइनली अतकवारी गुफा पहुंच गए हैं। जिस प्रकार एक शिशु माँ की कोख में 9 महीने तक रहता है, उसी प्रकार माता ने यहाँ पर 9 महीने तपस्या की थी, इसलिए इसे गर्भजून गुफा भी कहते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले आकर आपको अपने दर्शन के लिए पर्ची कटवा लेनी है, क्योंकि यहाँ पर नंबर आने में 20 से 24 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पर रात्रि में रुकने के लिए आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है, जिसका शुल्क होता है मात्र 150 रुपए। उसकी बुकिंग आपको कुछ समय पहले ही ऑनलाइन करनी होती है। बाकी रुकने के लिए आपको यहाँ पर भवन मिल जाते हैं और आपको यहाँ पर निशुल्क कंबल भी मिल जाते हैं, जिसकी पर्ची कटवानी होती है। प्रत्येक कंबल का 100 रुपए चार्ज लेते हैं और सुबह कंबल वापस जमा करने पर वो चार्ज आपको मिल जाता है। हवा बहुत ही ज्यादा ठंडी ठंडी चल रही है। अभी थोड़ी ही देर में बस यहाँ से माता के भवन के लिए यात्रा शुरू करेंगे। सभी लोग निकल के आ रहे हैं, मैं थोड़ा पहले आ गया था, तो अभी चलिए अभी थोड़ी देर में माँ के भवन के लिए यात्रा शुरू कर। अभी अभी हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। जो ये वाला रास्ता है ये जाता है माँ के भवन, इसे कहते हैं हाथी मत्था मार्ग। जो दूसरी तरफ वाला जो रास्ता है उधर है अतकवारी गुफा। अतकवारी गुफा में दर्शन करने के लिए हमने रात ही पर्ची कटवा ली थी। यहाँ पर दर्शन के लिए 20 से 24 घंटे लगते हैं। तो अभी हम चलते हैं माँ के भवन। जो ये रास्ता है ये जाता है माँ के भवन, इस रास्ते को बोलते हैं हिमकुटी मार्ग। यात्रा के लिए हिमकुटी मार्ग ही बेस्ट मार्ग है। धीरे धीरे अब सुबह होने लग गई है और सुबह का जो यहाँ का नजारा है वो कुछ इस तरीके से है, और सामने जो आपको ये दिख रहा है ये पूरा कटरा। अभी हम लोग हिमकुटी पहुंच गए हैं और सामने है हिमकुटी चेक पोस्ट। तो हम अपना सामान वगैरह अभी चेक करवा लिया है और अब हम अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं।
अब यहाँ से जो माँ वैष्णो का भवन है वो सिर्फ 2 किलोमीटर ही रह गया है और हमने अपनी यात्रा कंटिन्यू रखी है और सुबह भी हो गई है और पहाड़ों पे धूप आने लगी है, तो जो दृश्य है वो कुछ इस तरीके से है पहाड़ों का इस समय। हम इनसे 1.5 घंटा बाद चले थे और अभी इनके पास पहुंच गए हैं और भवन यहाँ से बस 10 मिनट का रास्ता बचा है, थोड़ी देर में हम भवन पहुंच जाएंगे। और यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं कुछ साइन बोर्ड की। फाइनली हम माता वैष्णो के भवन पहुंच गए हैं और अभी स्नान करेंगे, उसके बाद हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। यह है माँ के भवन में जाने का रास्ता, यहाँ पर फोन वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है, तो मिलते हैं आपको दर्शन करने के बाद। अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और भैरव बाबा के लिए फिर से यात्रा शुरू कर दी है, तो चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर। भैरव बाबा मंदिर की चढ़ाई बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, तो यहाँ पर चढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो चलते हैं धीरे धीरे और पहुँचते हैं भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। जिन लोगों से चला नहीं जाता यहाँ पर उनको घोड़े वगैरह मिल जाते हैं। फाइनली अब हम भैरव बाबा के मंदिर पहुँच चुके हैं और हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए और यहाँ से माता वैष्णो का धाम जो है बहुत ही सुंदर दिख रहा है, तो आइए आपको दिखाते हैं वहाँ वैष्णो का धाम यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिखता है। अभी हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए, माँ ने ऐसा वरदान दिया था कि भैरव बाबा के दर्शन करने के पश्चात ही यात्रा पूर्ण मानी जाएगी, तो करते हैं भैरव बाबा के दर्शन। अभी फाइनली हमने भैरव बाबा के दर्शन कर दिए हैं और जो ऊपर से माँ का भवन दिख रहा है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से।
सांची छत पर यहाँ पर सागर सूर्य अस्पताल भी है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो 24 आवर्स निःशुल्क सेवा यहाँ पर उपलब्ध है। दवाइयाँ वगैरह भी यहाँ पर मिल जाती हैं, जैसे किसी की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है। ये है अस्पताल। फाइनली अब हम हथकुआरी गुफा पहुंच गए हैं और यहां पर हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। पहले नंबर चेक करते हैं कौन सा नंबर चल रहा है और उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे। तो अभी देखते हैं विश्राम करने की जगह। रात हमने हथकुआरी गुफा के दर्शन कर लिए थे और फिर वहीं पर विश्राम किया था। फोन में बैटरी नहीं चली, वीडियो में दर्शन करने बना नहीं पाया और अभी हम हथकुआरी से कटरा के लिए निकल गए हैं। चलते हैं कटरा फिर। फाइनली हमारी यात्रा पूर्ण हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।